देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल पटेल के साथ खबर संसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गाजीपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने पत्रकार वार्ता करते हुए व्यापारियों की होने वाली समस्या एवं केंद्र सरकार द्वारा अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में व्यापारियों को 3,000 प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के करोड़ों व्यापारियों की बड़ी जीत है, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। हम इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रदेश के सभी विभागों का खजाना भरने वाले व्यापारियों के लिए 3,000 की पेंशन बहुत ही कम है, इसे कम से कम बढ़ाकर 30,000 मासिक किया जाना चाहिए। गाजीपुर में आया हूँ मैं, बनवारी लाल कंचल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। 2019 व्यापार मंडल के लिए सफलताओं का वर्ष रहा है। 35 वर्षों से व्यापारी और व्यापार मंडल पेंशन के लिए लड़ रहा था। पहले बजट में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने व्यापारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही GST में रजिस्टर्ड 1,12,00,000 व्यापारियों को 10,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी ने श्रम विभाग का लाइसेंस आजीवन कर दिया है। हम लोगों की मांग है कि सभी विभागों के लाइसेंस आजीवन किए जाए। और हमारे कमर्शियल टैक्स का हाउस टैक्स उसको 5 गुने से घटा करके 1.5 गुना कर दिया है। खाद्य विभाग का लाइसेंस 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर सकती है। इसी प्रकार से अन्य कई सुविधाएं दी हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपने व्यापारियों को बताने के लिए आया। और यहाँ के संगठन को, यहाँ के नगर का चुनाव कराने के लिए, जिला कमेटी को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ पे शपथ ग्रहण की डेट तय करने के लिए, और जिन कस्बों में व्यापार मंडल नहीं बना है उन कस्बों में गठन कराने के लिए आज हम लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे अपने पदाधिकारियों से, और उसके लिए रूपरेखा संगठन को मजबूत करने और संगठन की उपलब्धियों को बताने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। मैं सरकार को और अपने व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ। आज जो गाजीपुर में आया हूँ मैं, बनवारी लाल कंचल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। 2019 व्यापार मंडल के लिए सफलताओं का वर्ष रहा है। 35 वर्षों से व्यापारी और व्यापार मंडल पेंशन के लिए लड़ रहा था। पहले बजट में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने व्यापारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही GST में रजिस्टर्ड 1,12,00,000 व्यापारियों को 10,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी ने श्रम विभाग का लाइसेंस आजीवन कर दिया है। हम लोगों की मांग है कि सभी विभागों के लाइसेंस आजीवन किए जाए। और ग्रह जो हमारे कमर्शियल टैक्स था, हाउस टैक्स, उसको 5 गुने से घटा करके 1.5 गुना कर दिया है। खाद्य विभाग का लाइसेंस 1 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया है। इसी प्रकार से अन्य कई सुविधाएं दी हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपने व्यापारियों को बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ के संगठन को, यहाँ के नगर का चुनाव कराने के लिए, जिला कमेटी को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ पे शपथ ग्रहण की डेट तय करने के लिए, और जिन कस्बों में व्यापार मंडल नहीं बना है उन कस्बों में गठन कराने के लिए आज हम लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे अपने पदाधिकारियों से, और उसके लिए रूपरेखा बनाएंगे। संगठन को मजबूत करने और संगठन की उपलब्धियों को बताने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। मैं सरकार को और अपने व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ कि इस वर्ष में हमें काफ़ी उपलब्धियाँ मिली। ऐसे में देखा जाए कि प्रदेश में व्यापारी काफी उत्पीड़न, उसको लेकर क्या आपको क्या, कहाँ उत्पीड़न हो रहा है? मुझे उत्पीड़न नहीं दिखाई देता। कौन सा उत्पीड़न हो रहा है आप बताइए, कौन सा एक उत्पीड़न की बात बताइए, कौन सा उत्पीड़न हो रहा है? सरकार में व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं हो रहा, कौन सा हो रहा है बताइए तो, कौन सा उत्पीड़न हो रहा है? तभी तो मैं जवाब दूंगा आपको भाई। जितने कानून बने हुए, पुराने बने हुए, कोई नया कानून आपके ऊपर लागू कर दिया हो तो बताइए कि साहब ये कानून लागू कर दिया उन्होंने? व्यापारी सरकार से खुश है,
किसको नहीं खुले, यार पेंशन मिल गई, बीमा मिल गया, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। 60 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी अपने सरकार से पेंशन मिलेगी, उसके भर पे अपना जीवन गुजारेंगे। सर और भी तो है, जहाँ एम एच इंटर कॉलेज के पास जो भी दुकान है, एम एच इंटर कॉलेज के पास जो मछली की मुर्गे की दुकान है, आए दिन पुलिस वाले आते हैं और उन लोगों को बहुत बात करेंगे।